नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रभात केंद्र यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपका जो प्लाउ है वो भी एयर ले लेता है, उसका आपका जो प्लाउ का सिलेंडर है, इसको बोलते हैं पंप सिलेंडर, ये सिलेंडर आपका एयर ले लेता है। तो उसके लिए एक मैं आपको ट्रिक बहुत अच्छी बताने जा रहा हूँ दोस्तों। उसकी वजह आपने उस ट्रिक को फॉलो कर लिया तो आपका कभी भी प्लाउ एयर नहीं लेगा और ना ही ऑयल बर्बाद होगा। दोस्तों, सिंपल सी ट्रिक बताने जा रहा हूँ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करने, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा तरीके से संतुष्ट करूँगा कि प्लाउ में जब अटैच करते हैं अपन, उस वक्त आपका सिलेंडर जो है ये आपका एयर ले लेता है, तो उसको एयर को किस तरीके से निकालना चाहिए और कहाँ, मतलब निकालने से पहले आप वो गलती ना करें कि आपका सिलेंडर जो है वो एयर ले ही नहीं। आपको ऐसा क्या करना है वो आपको सिंपल से पूरे तरीके से बताऊंगा मैं दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और दोस्तों, नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें इंस्टाग्राम और हमारे फेसबुक पेज पे भी हमें फॉलो कर लें। हम यहाँ से कुछ हट के आपको वहाँ पे जानकारी भी अवेलेबल करवाते हैं दोस्तों, और फेसबुक पेज पे जो है हमारा, उस पे आप डायरेक्टली कॉल करके उस पे आप हमसे बात भी कर सकते हैं और आपकी समस्या हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जब भी आप प्लाउ को अटैच करें तो अटैच करने से पहले आपको यहाँ पे ये जो निपिल दिए जाते हैं, आप इसको डायरेक्टली लगाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि ये कभी कभी नहीं लग पाता। क्यों? क्योंकि आपकी एयर यहाँ पे रुकी पड़ी है। इसमें आप इस एयर को कैसे निकालेंगे, इसके मैं संपूर्ण जानकारी आपको दे रहा हूँ। दोस्तों, आपका भी जो प्लग है उसका सिलेंडर का भी आपका एयर ले लिया है, तो सिंपल सा तरीका एक ये है दोस्तों कि सबसे पहले आप इस बोल्ट को खोलें। ये जो एक डिस्ट्रीब्यूटर के पंप के अंदर आपको यहाँ पे एक डब्बी लगी रहती है, आप देखेंगे बड़े गौर से, तो इस बोल्ट को आपके खोल के यहाँ से आपके जो नली है, इस नली के अंदर आपका एयर ले लिया है, तो इस नली के अंदर आपको एयर ले लिया है, तो इसको कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इस बोल्ट को खोलेंगे। आप इस बोल्ट को खोलेंगे, उसके बाद इसमें से ऑयल बाहर निकालेंगे। आप ऑयल बाहर निकालेंगे तभी यह आपका प्लाउ डबल से अटैच होगा, वरना आपका प्लाउ अटैच नहीं होगा। दूसरी बात यह है दोस्तों कि आपका प्लाउ कभी चलते चलते भी कभी तिरछा हो जाता है। अभी आप देखेंगे कि ये प्लाउ जो है ये तिरछा है। इसका कारण क्या है दोस्तों? ये ऑयल यहाँ पे ब्रेक ना होगा। इसका कारण सबसे पहली फुर्सत में आप ये करें कि जब भी आप प्लाउ को ट्रैक्टर से अटैच करें तो सबसे पहले ये जो लीवर रहता है, इस लीवर को आप आगे पीछे कर दें। आप इस लीवर को जितनी बार आगे पीछे करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि दोस्तों जब भी आप फाँदेंगे ट्रैक्टर को तो इसमें दो चार बार आपको इस लीवर को आगे पीछे जब भी कर लेंगे तो आपका ये कभी भी यहाँ पे इस नली के अंदर एयर नहीं आएगी और ना ही आपका सिलेंडर में एयर आएगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों ऑयल भी बहुत महंगा होता है, क्योंकि घी से महंगा ऑयल होता है दोस्तों। इस वजह से मैं भी ये चाहता हूँ कि हमारे दर्शक, जो हमारे दोस्त यार वगैरह हैं, जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, उनका नुकसान ना हो, तो सबसे पहले आप इस बोल्ट को ना खोलते हुए आप सब उससे पहले ये काम कर लें कि जब भी आप प्लग अटैच करें, इस लीवर को आपके ट्रैक्टर के अंदर ये लीवर होगा, इस लीवर को आप डिस्ट्रीब्यूटर का, इस लीवर को जब भी आप प्लग अटैच करें सबसे पहली फुर्सत में उसको आगे पीछे कर लें। उसका कारण यह है कि आपका कभी भी सिलेंडर पंप जो है कभी भी एयर नहीं लेगा। और दोस्तों, दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हम इसी तरीके के नए नए ट्रिक हुए आपको रिपेयरिंग से लेके तो नए मॉडल्स वगैरह की सबकी वीडियो अवेलेबल कराते हैं दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।